हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जो रेलवे की मैथ प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी कड़ी में एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हुए हैं और देखते हैं कि आपके रेलवे के एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइस, जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर में जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, और उससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपके क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन करने का शॉर्ट मेथड भी डिस्कस करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, उन क्वेश्चनों को कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक टायर में दो पंक्चर हैं, पहले पंक्चर से टायर 9 मिनट में सपाट हो सकता है और दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में अगर स्थिर दर से हवा लीक होती है तो दोनों पंक्चरों से सपाट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन उस तरीके सॉल्व करना है जैसे हम लोग टंकी और पाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहां पे टंकी की जगह इस क्वेश्चन में क्या है, टायर है, और पानी की जगह क्या निकल रहा है, हवा। तो यहाँ पे हम पानी को एज जो एयर है उसको हम कैसे रियलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे वाटर की तरह। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक जो होल है, यानी अगर हम जो पंक्चर कहें P1 है, वो कितने 9 मिनट में पूरी एयर को निकाल दे रहा है। जो दूसरा पंक्चर है P2, वो 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। अगर हम अपने से इसको ले लें कि जो हमारी टायर की कैपेसिटी कितनी है, तो देखो टायर की कैपेसिटी हमें जैसे वाटर वाले में लेते थे कि टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, यहाँ पे हम किसकी लेंगे कैपेसिटी, टायर की। तो यहाँ पे देखिए टायर की कैपेसिटी 18 ले ले रहे हैं कि 18 है। तो पर यूनिट मिनट यानी पर यूनिट टाइम पे, यहाँ पे मिनट है, तो पर यूनिट मिनट पे कितनी P1 के द्वारा एयर बाहर निकलेगी, तो इसको डिवाइड की तो 2 यूनिट जो पर यूनिट एयर बाहर निकलेगी। P2 के द्वारा कितने निकलेगी, 3, क्योंकि जिसको कम समय लगता है उसके द्वारा एयर ज्यादा निकाली जाएगी, और जिसको ज्यादा समय लगता है पर यूनिट टाइम पे उसके द्वारा कम एयर निकाली जाएगी। तो देखिए ये हमें दोनों के द्वारा अगर उनको निकालना है, तो जब अगर दोनों होल को हम चालू कर या दोनों होल हो दोनों पंचर हो, तो पर यूनिट टाइम कितना एयर बाहर निकलेगा, 2 + 3 = 5 यूनिट पर यूनिट टाइम लगेगी, सॉरी पर यूनिट एयर बाहर निकलेगी। तो दोनों पंचरों के द्वारा टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 18 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 3.6 मिनट आ जाएगा। यानी 3.6 मिनट में जो टायर है वो क्या हो जाएगा, सपाट होने का मतलब उसके अंदर की टोटल एयर बाहर निकल जाएगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभा से पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब विद्युत खंभा हो या कोई पेड़ हो या कोई व्यक्ति हो, तो उनको पार करने में जो रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी होती है वो उसकी खुद की लंबाई होती है, यानी जो रेल की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, और उसकी जो स्पीड है 144 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, इसको अगर वी कह दें तो 144 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिस्टेंस कितने है मीटर में, तो हमें इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, यानी 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। अब देखिए टोटल ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 100 मीटर। तो जो ट्रेन को व्यक्ति से विद्युत खंभा को पार करने में समय लगेगा कितना हो जाएगा, 100 मीटर / 40, तो इसको देख सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 सेकेंड, इन 2.5 सेकेंड में जो ट्रेन है वो या विद्युत खंभे को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है कि एक व्यक्ति 200 आम को 160 आमों के क्रय मूल्य पर बेच देता है, उसका परसेंटेज हानि होगी। देखिए जब गाइस इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमें सिंपल ये स्टेप सीखना, ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा। देखिए कितने आम बेच रहा है, 200 आम, यानी 200 आम का क्या है सेलिंग प्राइस, इट्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस को कहते हैं विक्रय मूल्य, कितने आमों के क्रय मूल्य के बराबर, 160 आमों को क्रय मूल्य के बराबर, तो इसको कह देंगे 160 आम × CP, इस तरीके से लिख देंगे क्योंकि एग्जाम में हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम CP किसको लें। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके जो स्टेटमेंट गिवन है उसी एज वेल एज हम लिख देंगे। अब देखिए
जो सीपी होगा जो एसपी की तरफ लिखा होगा वो हमारा सीपी हो जाएगा और जो एसपी होगा वो सीपी की तरफ का हमारा हो जाएगा। यानी एसपी और सीपी यहाँ से हमें मिल गए। देखिए सीपी कितना है 200, तो एसपी कितना है 160। तो यहाँ पे देखिए जब एसपी हमारा कितना है 160 और सीपी कितना हो जाएगा हमारा 200, सॉरी हाँ सॉरी ओके। तो यहाँ पे एसपी एंड सीपी की जो वैल्यू हो जाएगी 160/200। तो यहाँ पे देखिए एसपी 160 और सीपी 200 है, तो यानी उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी उसको लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 40 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज हानि चाहिए, परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, लॉस बटे सीपी कितना है 200 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज हानि आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे 20% की उसको परसेंटेज हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त 132 रुपए की धनराशि का वर्तमान मूलधन कितना होगा। गाइस जब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में हमारा जब क्वेश्चन ऑप्शनल होता है तो वहाँ पे जो हमारा करने का तरीका रहेगा वो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर क्योंकि ऑप्शन के थ्रू हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी अगर हम सीधे कैलकुलेशन किए। देखिए अगर यहाँ पे दोनों तरीके से बता दें कि ऑप्शन के द्वारा इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू गिवन है ये हमें मूलधन गिवन है क्योंकि उसका मूलधन है और हमें मालूम है कि उसका रेट कितना है और 2 साल की उसकी ब्याज कितनी होगी और साधारण ब्याज है। तो उसका हमें ये क्या है, उसका टोटल धन है यानी कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों ये 132 रुपए है। तो जब देखिए इसको ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 112 का अगर सॉल्व करेंगे तो 132 नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 120 फार्मूला लगाएंगे कितना रेट है 5% और कितने साल 2 साल, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज हो गए और टोटल जो हमारा धन हो जाएगा, टोटल मनी कितना 120 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 132। तो ये हमारा देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन जो हमारा धन रहा होगा वो कितना 120 रुपए। ये तो ऑप्शन के थ्रू जाने का तरीका हो गया। अब देखिए हमें ऑप्शन के थ्रू नहीं जाना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने तो क्या तरीका होगा, तो हम कह देंगे कि जो हमारी धन है जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है पी है, तो प्रिंसिपल अमाउंट पी है तो पी इंटू 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो पी इंटू कितना ब्याज रेट है 5/100 इंटू समय टी गिवन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज, और ब्याज में किसमें ऐड कर देना प्रिंसिपल अमाउंट है और उस कितना तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 132। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो गाइस आप इस तरीके सॉल्व कर लीजिए या आप ऑप्शन के थ्रू चले जाएंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो आपको टाइम कम लगेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि 101 × 27/1 लाख, तो इसको हमें दशांश में करना, दशांश का मतलब है कि उसको डेसिमल रूप में उसको व्यक्त करना। देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 101 + 27/1000005 है यहाँ पे। तो देखिए जब 50 तो इसको लिख सकते हैं 101 प्लस, देखिए जब हमें जितने जीरो होते हैं उतने ही काउंट करके हमें क्या लगा है 27 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड काउंट करते 1 2 कितने जीरो हैं 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए 0.0, ये हमारा हो जाएगा। अभी इसको ऐड की तो 101.00027 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख यहाँ पे कह रहा है कि 350 का 3/5 यानी 350 का 3/5 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 210 और 210 का 4/7 कितना हो जाएगा ये 30 यानी 120 हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा तो कितना डिफरेंस है 90 यानी 350 90 अधिक होगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देख कर रहा है कि 105 and 1001 and 2436 को पूर्ण रूप से विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए जब ये इस तरह की नंबर आए तो वहाँ पे हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है 7 11 और 21 तो हमें यहाँ पे डिविडिटी रूल यानी विभाजिता का नियम मालूम होना चाहिए। देखिए 3 से विभाजित होने के लिए नंबर क्या होना चाहिए, तीनों नंबर 3 से विभाजित तभी होंगे तब तो डिविडिटी रूल चेक करते। देखिए 3 से विभाजित कब होंगे नंबर, जब उनका सम भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए 5 + 1 = 6 डिविजिबल होगा, लेकिन 1 + 0 + 0 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी जब 1001 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका ऑप्शन 3 नहीं हो सकता।
सेवंस चेक करते हैं, सेवंस देखिए आपका, चलिए सेवन से भी रहने देते हैं, लेकिन थ्री से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी दैट मीन्स 21 से भी डिविजिबल नहीं, क्योंकि 21 किसका फैक्टर गुणनखंड क्या होते हैं, 3 × 7, यानी 3 से डिविजिबल नहीं तो 21 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए हमें 7 की डिविजिबिलिटी रूल तो मालूम, लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी रूल मालूम है। जब 11 की डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप चेक करिए, तो देखिए जो 105 है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 11 से डिवाइड नहीं होगा। जब 11 से डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास सिर्फ ओनली एक ऑप्शन बचे तो 7 इसका आंसर होगा, और इस तरीके से आप वर्क करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमें ऑप्शन के थ्रू गए, अब आपको और दूसरा क्या करने का तरीका होगा, दूसरा आप इसका तीनों संख्याओं का क्या एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को कंप्लीटली डिविजिबल करेगी। तो एक सॉरी एलसीएम नहीं, यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा, यहाँ पे एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, सॉरी लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। एलसीएम हमें जब इन नंबरों से डिविजिबल करना हो तो वहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना होगा, और इनका फैक्टर करके या डिविजन मेथड से किसी भी तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो भी आपको मेथड इजी लगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक आयता का प्लाट जिसका माप 90 मीटर × 50 मीटर, यानी 90 मीटर और 50 मीटर का एक प्लाट है, को तार के बाड़ से घेरना है, ठीक है। अगर बाड़ के खंभे को 5 मीटर दूरी पर रखा जाए तो कितने खंभों की जरूरत पड़ेगी। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें खंभे हमें कहाँ पे लगाना होता है, उसकी परिधि में, यानी परिधि में हम खंभे लगाएंगे इस तरीके से। तो अगर हमें इसकी परिधि की टोटल लेंथ मालूम चल जाए तो हम बता सकते हैं कि हमें कितने खंभे लगेंगे। तो जो हमारे आयताकार यानी आयत का पेरीमीटर यानी परिधि होती है, क्या होती है, 2 × लेंथ + विड्थ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई कितनी है 90 + चौड़ाई 50, तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 मीटर इसकी टोटल परिधि हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कितने हमें पिलरों की संख्या कितनी लगेगी, यानी कितने खंभे लगेंगे, तो खंभों की संख्या इज इक्वल टू 280 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें नंबर ऑफ पिलर आ जाएंगे कि कितने हमें खंभों की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए 56, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 56 पिलर आएंगे, यानी 56 खंभों की हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 1250 का 0.07% -650 का 0.02% कितना होगा। तो देखिए 1250 ये कैलकुलेशन बेस है, तो इसको सॉल्व करिए तो ये जीरो, यहाँ पे इसको 7 से मतलब भी डिवाइड करिए, यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.5, ठीक है, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.875 माइनस, इधर हो जाएगा -650 गुणा 0.02 डिवाइड बाय 100, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.031, तो 1.3, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 0.547, तो 1.45 इसका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन वैसे इसमें कोई ट्रिक या ऐसा कुछ नहीं है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कि एक काम को 12 दिन में कर सकता है यदि बी की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, यानी ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसका हो जाएगा, ए कितना समय में कर रहा है, 12 दिनों में, टोटल डेज में ए काम को कर रहा है, यदि ए की अपेक्षा बी की 50% अधिक कुशल है, यानी देखो बी और ए में जो दक्षता का रेशियो कितना है 150/100, यानी कि 3:2, ये किसका रेशियो गिवन है, ये क्षमता का रेशियो गिवन है, यानी क्षमता या दक्षता का है। अब मालूम होना चाहिए कि जो कार्य इक्वल टू होता है क्षमता गुणते समय हमारा क्या होता है, कार्य। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन मालूम है कि ए को 12 दिन समय लगता है और बी को और ए की जो क्षमता है यहाँ पे 2 है, तो जब कार्य कितना हो जाएगा, कार्य इक्वल टू क्षमता ए की 2, समय कितना 12, तो ये कितना 24 कार्य हो गए। अब हमें किसके द्वारा कार्य करवाना है, बी के द्वारा,
तो बी के द्वारा जो समय लगेगा, समय क्या हो जाएगा, कार्य को जब हम क्षमता से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, हमारा समय आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 3 यानी 8, यानी 8 दिन में कौन काम पूरा कर देगा, बी अकेले 8 दिन में सी काम को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन में खड़े एक व्यक्ति एक मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है, अगर उनकी बीच की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन किस गति से दौड़ रही है। देखिए यहाँ पे 21 टेलीफोन पोस्ट हैं, यानी अगर हर एक टेलीफोन पोस्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर, ट्रेन की गति क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये एक पोस्ट हो गया, पहला पोस्ट, ये आपका दूसरा पोस्ट हो गया, इस तरीके से हर एक पोस्ट के बीच की कितनी दूरी 50 मीटर है, ये 50 मीटर। तो इस तरीके से उसे 21 पोस्ट उसे क्रॉस करना है, तो उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, दो पोस्टों के बीच में 50 मीटर की, तीन पोस्टों के बीच में 100 मीटर की हैं। तो इस तरीके से जो टोटल पोस्ट कितने होंगे, 21 हैं, यानी 21 पोस्टों के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, दो के बीच में 50, तो 21 के बीच में 21 गुणते 50 हो जाएगा 51010, इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, कितना, 21 पोस्टों को चलने के लिए। अब देखिए इतनी डिस्टेंस को कितने समय में कर रहा है, 1 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो जो इसकी स्पीड हो जाएगी 1050 डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मिनट की हो तो उसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट करें। अब इसको देखिए मीटर पर सेकेंड में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, तो 1050 इंटू 18 डिवाइड बाई 5 और ये नीचे 60, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 50 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी 63 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 25% का 25% क्या होगा, देखो 25% दैट मीन्स 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 10,000 इक्वल टू 0.0625 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या है कि यदि ए का 120% बी का 80% बराबर, यानी ए का 120% 120 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू बी का 80% 80 डिवाइड बाई 100। तो यहां से देखिए बी इसको देखिए 100 से 100 सॉल्व कर, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 2, ये इधर हो जाएगा 3, तो बी अपान ए की वैल्यू निकालें तो बी अपान ए कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखिए बी प्लस है बी माइनस है, यानी कि अगर यहाँ पे कंपोनेंटों में डिविडेंड युगांतरा अनुपात लगा दें, जैसे हम बोलते हैं युगांतरा अनुपात, तो युगांतरा अनुपात यहाँ पे सॉल्व कर, तो बी प्लस ए अपान बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा युगांतर अनुपात, तो यहाँ पे 3/2/3-2 जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा 5/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति 825 रुपए में 15 कलम, यानी 825 रुपए में कितने 15 कलम और 30 पुस्तकें क्रय करता है, तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो 15 कलम यानी कलम पेन प्लस 30 किताबें यानी पुस्तकें, तो बी इक्वल टू 825 हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य का दुगना है, यानी जो बुक का प्राइस है वो किस रेशियो में, 2:1 में है, तो यहाँ पे देखें बी इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ पे कहते हैं कि बी इक्वल टू 2x, पी इक्वल टू एक्स, तो इसको देखिए सॉल्व करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 × 2x + 30 × x = 825, तो यहाँ पे इसको ये हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू जस्ट उल्टा पुट हो गई है, इसको फिर से करते हैं, ये 15 × p की वैल्यू x + 30 × 2x = 825, तो यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 75 = 825, तो x = 11, यानी जो किताबों की संख्या 22 और पेनों की संख्या 11 है, यहाँ पे पुस्तकों की संख्या पूछा जाता है 22 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे माँ पिता की औसत यानी मदर प्लस फादर की जो औसत आयु 45 है, तो इनकी टोटल उम्र कितनी हो जाएगी 90। मदर प्लस फादर प्लस एक
डाटा यानी बेटी भी सम्मिलित की जाती तो उनकी जो औसत उम्र है 35 बोलते 3 तो कितना हो जाएगा ये 105, कितना डिफरेंस है 15। तो ये जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से आ रहा है, डाटा की वजह से, तो डाटा की उम्र कितनी हो जाएगी 15 साल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देख कह रहे हैं कि एक आयताकार प्लेट की 18 सेंटीमीटर चौड़ाई और 48 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है। सबसे बड़े वर्ग प्लेट यहाँ पे बनाने हैं ये पाए जाने की संख्या, सबसे बड़े अगर हमें वर्ग प्लेट उससे काटने हैं तो कितने हमारे वर्ग प्लेट होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये कितना 48 सेंटीमीटर। यदि हम सबसे बड़ा तो यहाँ पे अगर 12 की उसमें कट कर दें तो अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 12 ये और 12 आपकी इसकी लंबाई, तो ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं वर्ग बनेगा। तो इस तरीके से हमें कितने होंगे, 12 यहाँ पे भी 12 और ये 12 और एक ये 12 हो जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा 48। तो हमारे जो आयताकार प्लेटों की कितनी संख्या कितनी बनेंगी, 4 बनेंगे, यानी सबसे बड़े वर्ग प्लेट पाए जाने की संख्या, तो कितनी वर्ग प्लेट पाई जाएंगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे है कि किसी धन राशि के 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर गिवन है। देखिए जब इस टाइप क्वेश्चन हो तो हमें जो इस टाइप के क्वेश्चन का करने का तरीका, यहाँ पे तो सिंपल है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इससे अगर ये 2 साल का डिफरेंस, कभी कभी क्वेश्चन में 3 साल का डिफरेंस आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, देखिए जो हमारा रेशियो गिवन है, दर गिवन रेट, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 1/4/100=1/25, यानी 25 रुपये में 1 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए जो अगर यहाँ पे 2 साल की बात करें तो जो हम इसमें मूलधन मानेंगे वो डिनोमिनेटर के उतने ही पावर लगाने, अगर यहाँ पे 2 साल है तो हम इसका जो मूलधन मांगेंगे कि इसका जो मूलधन है वो कितना है, तो इसका मूलधन हम अपने से मान लेंगे 25 का स्क्वायर = 625। अगर यहाँ पे 3 साल होता तो 25 का क्यूब हम इसका मूलधन लेते। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए जो 625 का पहले साल, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, यानी पहले साल 625 का ही सिर्फ मूलधन मिलेगा, तो 625 का 4% कितना होगा, 625 का 4% 25 होगा, यानी 25 रुपये आपका पहले साल ब्याज मिलेगी। दूसरे साल भी आपको देखिए 625 में तो मूलधन मिलेगा, सॉरी ब्याज तो मिलेगा 625 में, तो कितनी ब्याज रहेगी आपकी 625, लेकिन जो पहले साल आपको ब्याज मिले उसका भी आपको तो ब्याज मिलेगी, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर जो ब्याज का ब्याज मिलेगा तभी हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1 रुपया हमें और मिलेगा। तो देखिए जो ऊपर की लाइन पहली लाइन होती है ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, क्योंकि हर साल आपका इसी जो हमारा मूलधन है, मूलधन में जो ब्याज मिलेगा वही हमारा क्या, साधारण ब्याज होता है। तो पहली लाइन का जो होता है ये हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होगा, और जो ब्याज का ब्याज अगर जोड़ दें तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 25 + 25 + 1 = 51 रुपये क्या हो गया हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज, और 1 रुपये हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया दोनों का, 1 रुपये क्या हमारा अंतर, और यही क्या 1 हमारा अंतर, तो 1 ही क्या है 1 रुपये, जब 1 रुपये अंतर है तो टोटल हमारा मूलधन कितना हो गया, 625 हमारा क्या हो गया मूलधन। अगर यहाँ पे एक जो अंतर है 1 है और यहाँ पे 1 की जगह क्या कहता 10 रुपये कह देता कि 10 उनका अंतर 10 रुपये, तो यहाँ पे 1 = 10 कर देते तो 625 × 10 हो जाता, तो आंसर 6250 हो जाता, तो आपका जो हमारा मूलधन क्या हो गया 625। तो जब भी अंतर गिवन हो तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देख कह रहा है कि 50 लीटर पानी रखने के लिए उस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई याद करिए जिसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल गिवन। देखिए हमें जो बेलन का क्षेत्रफल होता है, सॉरी बेलन का यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे आयतन, क्योंकि पानी हमारा किसमें होगा, आयतन में, तो बेलन का आयतन होता है क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। तो यहां पे देखिए a × h, तो यहां पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल गिवन 100, तो 100 क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल 100 और उसकी हमें ऊंचाई पूछ रहा है, यहां पे देखिए सेंटीमीटर, तो हम भी सेंटीमीटर पे ही इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 100 × 100, क्योंकि 1 cm = 1/100 m। अब देखिए यहाँ पे लीटर है लेकिन यहाँ पे मीटर में है, तो हमें लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 L = 1/1000 m³। तो यहाँ देखिए 50 है तो यहाँ पे हो जाएगा 50/1000,
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल, इधर जीरो दो जीरो इधर कैंसिल, ये तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का एच सी एफ और एल सी एम क्रमशः 1942 है, यदि एक संख्या 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 होता है। देखिए जब एच सी एफ और एल सी एम का गिवन, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी दो संख्याएं होंगी एच सी एफ कितना 19, तो हम पहली संख्या कहेंगे 19 एक्स है और दूसरी संख्या क्या होगी 19 वाई, जहां एक्स और वाई ये क्या होंगी को प्राइम नंबर होंगे, इनको सह अभाज्य कहेंगे। तो एक्स और वाई क्या को प्राइम, दैट मीन्स इनके कोई भी फैक्टर इक्वल नहीं होंगे। अगर कोई भी फैक्टर अगर इनका इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या उनका जो हमने 19 लिया एच सी एफ वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई के को प्राइम नंबर है, ये दो संख्या होंगी तो उनका देखिए क्या एलसीएम, तो जो दो संख्याओं का एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा 19 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 342, ये उनका क्या एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 and 8, यानी 18 हो जाएगा इनका एक्स और वाई का प्रोडक्ट। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक संख्या को 2 से डिवाइड कर देता है, सपोज करो एक्स को ही 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो भागफल कितना आ रहा है, भागफल यानी कोशेंट होता है तो 19 आ रहा है, तो जो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी 30 है, यानी 2 से हम एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक्स जो आपकी संख्या वो 19x है, तो यहाँ पे 19x को डिवाइड करेंगे ना कि एक्स को, एक्स तो हमारा कुछ है, तो हमारी एक संख्या क्या एक्स है, सो 19x है, तो हम 19x को यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो भागफल कितना 19 बच रहा है, तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 2, यानी एक एक्स बराबर 2 आ गया, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू निकाली तो 19x इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, और आपका 19 इंटू 9 ये किसकी 19y की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना 1 and 171, तो एक संख्या आपकी 38 और दूसरी संख्या 171, तो ये दो संख्या हमारी होंगी। तो हमारा जो क्वेश्चन का करने का तरीका रहेगा इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि यदि cot x की वैल्यू cot x इक्वल टू 5/12 और 1 + tan² - sec² x की वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ पे cot स्क्वायर से हम tan x की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर, बट आगे एक हमें प्रॉपर्टी मालूम चाहिए कि 1 + tan² x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। अगर ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसी में sec स्क्वायर x को इधर ले आएंगे तो 1 + tan² x - sec² x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से कह सकते हो जो हो सकता है, बट अगर आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है तो वैल्यू भी पुट करके आप सॉल्व करें तो वहाँ भी इसका आंसर 0 होगा, बट वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, हमें ये प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए तभी हम इसको तुरंत सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए सही लगा होगा, और इसके अलावा अगर आप लोगों के लिए और कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।